करता हूँ एमएस एक्सेस में डेटा टाइप, व्हाट इज डेटा टाइप। सो यहाँ पे डेफिनेशन देखो क्या लिखा है, लिखा ये है कि एवरी फील्ड इन अ टेबल का मतलब हैज प्रॉपर्टीज। एवरी फील्ड इन अ टेबल हैज प्रॉपर्टीज, जो भी फील्ड है उनकी अपनी खुद की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। दीज प्रॉपर्टीज डिफाइन द फील्ड्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, एंड बिहेवियर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर अ फील्ड इज इट्स डेटा टाइप। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर अ फील्ड इज इट्स डेटा टाइप, क्लियर है। अ फील्ड्स डेटा टाइप डिटरमाइंस व्हाट काइंड ऑफ डेटा इट कैन स्टोर, क्लियर है, जो मैंने अभी बताया था। अगेन मैं रिपीट करता हूं, अ फील्ड्स डेटा टाइप डिटरमाइंस व्हाट काइंड ऑफ डेटा इट कैन स्टोर, क्लियर हो गया। एमएस एक्सेस सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा ईच विद अ स्पेसिफिक पर्पोज, क्लियर है। द डेटा टाइप डिटरमाइंस या डिटरमीन्स कुछ भी दोनों, डिटरमीन्स द काइंड ऑफ द वैल्यूज दैट यूजर्स कैन स्टोर इन एनी गिवन फील्ड। ईच फील्ड कैन स्टोर डेटा कंसिस्टिंग ऑफ ओनली अ सिंगल डेटा टाइप, कुछ डाउट है। अगेन ईच फील्ड कैन स्टोर डेटा कंसिस्टिंग ऑफ ओनली अ सिंगल डेटा टाइप, एक फील्ड में आप एक ही टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं या किया जाता है। एक ही फील्ड में आप नंबर डेटा टाइप और इंटीजर भी डेटा टाइप, यानी बोथ न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप को आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, एक डेटा टाइप के लिए एक ही फील्ड होता है। Here are some of the most common data types you will find used in a typical Microsoft Access database. ठीक है, जब हम पढ़ रहे थे Excel को तो वहां कहीं जिक्र नहीं किया गया था, Excel में database कहीं एक भी words कहीं लिखा हुआ था, line लिखी हुई थी, लेकिन यह हर time आपको database word मिल ही जाएगा। अब हम जो भी पहले पढ़े थे तो एक्सेल में स्प्रेडशीट पढ़े थे, डेटा वहां उसका नाम होता है MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, में आपको पहले बता चुका हूं ये होता क्या, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को सिस्टमेटिक ढंग से स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है एक्सेल का। लेकिन जब इंफॉर्मेशन हमारी बढ़ जाती है, जब कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो ये इंफॉर्मेशन हम गैदर एक्सेल में नहीं कर सकते हैं। जब हम डेटा को मेंटेन नहीं कर सकते एक्सेल में, उसके बाद हमें जरूरत पड़ती है एमएस एक्सेस की। जब एमएस एक्सेस में डेटा मेंटेन नहीं होने लगता है तो हम यूज करते हैं एमएस एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। एक आपने ये भी सुना होगा माई एसक्यूएल, बोथ आर सिमिलर, ये दोनों डेटाबेस ही है, कंपनी अलग अलग है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। दोनों में से कुछ भी सीख लो, एक कोई सीख लो, दोनों सीख जाओगे। थोड़े से चेंजेज है वो मैं बता दूंगा। ये MySQL अलग है, ये ओपन सोर्स है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है मार्केट से, इसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ेगा। MS SQL के लिए आपको पे करना पड़ेगा, ये आपको माइक्रोसॉफ्ट से खरीदना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, एक दो होगा तो मुझे नहीं पता, कुछ मोस्टली जो प्रोडक्ट है उनके वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, लेकिन MySQL 110% ओपन सोर्स है, वो आपको फ्री डाउनलोड कहीं से भी इंटरनेट से कर सकते हो और उसे 100% उसके फीचर्स का यूज आप कर सकते हैं, यहाँ पैसे नहीं लगते। एक्सेल के लिए हमें पे करना पड़ता है,
सबके लिए, ये हमारा एक सिंगल यूज है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन अब हम कॉमर्शियल में चले जाएंगे ना, तो हमें बिना लाइसेंस का हम यूज इसको नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसकी ट्रैकिंग भी होती है, जब हम फ्री ऑफ यूज कर रहे हैं तो ऐसे बात नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट के पास रिकॉर्ड नहीं है हमारे, हमारे पास रिकॉर्ड है। वो ट्रैकिंग करते हैं कि ये जो इन्होंने कॉपी मतलब डुप्लीकेट जो ये एक्सेल यूज कर रहे हैं कितने सिस्टम में चल रहा है, वहीं से ट्रैकिंग हो जाती है। तो फिर वो पता चलता है ये बार बार सेम, इनका एक सीरियल नंबर जनरेट हो जाता है जब हम करते हैं ना इसे इंस्टॉल, और ये ट्रैकिंग उसी नंबर से करता है। तो इस नंबर से ही सीरियल नंबर के कॉपी एक्सेल कॉपी कितने सिस्टम में चल रहा है ट्रैकिंग कर लेते हैं, देखता है एक है इसका मतलब स्टूडेंट है, घरेलू यूज है, इसको छोड़ दो। उनको ये नहीं, ऐसे नहीं है ना पता है। लेकिन ये चीज अगर हाथ में आ गया, कंपनी अब ले गए, किसी दिन कंपनी में कोई आए माइक्रोसॉफ्ट ले जाएगा, चेक किया तो लैपटॉप ले जाएगा। तो चलो वो तो मेरा कहने का मतलब ये कि माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट ओपन सोर्स कम है, कम मुझे नहीं पता भी है या शायद नहीं भी है, लेकिन हम जितना यूज करते हैं उसमें से फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं है। माई एसक्यूएल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एमएस एसक्यूएल पेएबल है, माई एसक्यूएल फ्री है, माई एसक्यूएल एक ही चीज है, कंपनी अलग अलग है, पेड है एक अनपेड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेटा टाइप की। डेटा टाइप क्या है यहाँ पे, शॉर्ट टेक्स्ट, ये टेक्स्ट के लिए यूज किया जाता है। टेक्स्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स इंक्लूडिंग नंबर्स दैट डोंट रिक्वायर कैलकुलेटिंग, एग्जाम्पल फोन नंबर्स। टेक्स्ट आपने अगर यूज किया हुआ है डेटा टाइप, तो आप नंबर्स का यूज नहीं कर सकते हैं, नहीं किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल में इसमें लिखा है, इसमें ये लिखा है क्या, इस शॉर्ट टेक्स्ट वाले में, ये टेक्स्ट के लिए यूज किया जाता है ये डेटा टाइप। टेक्स्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर इंक्लूडिंग नंबर दैट डू नॉट रिक्वायर कैलकुलेटिंग, ठीक है। इसमें क्या लिखा है कि नंबर नहीं यूज कर सकते, नहीं नहीं ये चीज नहीं, आप यहाँ पे ये कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसको कैलकुलेटिंग के तौर पे नहीं यूज किया जाता। लेकिन अगर आपने डेटा टाइप यूज किया है टेक्स्ट, तो इसमें टेक्स्ट ही डेटा स्टोर होगा, अगर आप नंबर करते हैं तो उसे कन्वर्ट कर देगा नंबर में, टेक्स्ट में आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया था ना कि कोई भी एक्सेल में अब अगर नंबर डायल करते हैं, नंबर के साथ आप 1 2 ये ABCD लगा देंगे, तो वो ए मोबाइल नंबर कभी टेक्स्ट में नहीं हो जाएगा, वो उस बिहेव में वर्क करेगा। जैसे अगर आप कोई नंबर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देंगे, सम करेंगे, तो सम नहीं होगा। वो किस फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर देता है, फॉर्मेट टेक्स्ट के कन्वर्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। लेकिन लोग सोचते हैं कि नंबर टेक्स्ट कैसे बन जाएगा, नंबर टेक्स्ट लेगा या तो जैसे A1 होता है, ऐसे कोई नंबर, ऐसे कोई अल्फाबेट लेगा, इसमें नंबर भी और टेक्स्ट, हाँ, तो फिर वो टेक्स्ट कंसीडर करेगा, नंबर ही लेगा मतलब, हाँ, ठीक है। और 255 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं हो सकता साइज, लॉन्ग टेक्स्ट, लेंथी टेक्स्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स आप दोनों यूज कर सकते हैं कंबाइन करके, ठीक है। इसकी जो साइज होती है वो यहाँ है। नंबर डेटा टाइप यूज मैथमेटिकल कैलकुलेशन, नंबर डेटा टाइप एक डेटा टाइप है। इसकी रेंज जो होती है बहुत ज्यादा होती है, 16 बाइट्स इफ सेट टू रिप्लिकेशन आईडी, ठीक है, बहुत ज्यादा है। डेट एंड टाइम क्लियर है, करेंसी क्लियर है, कुछ डाउट है? ऑटो नंबर, ऑटो नंबर भी एक डेटा टाइप है, लेकिन ये बहुत औसम चीज है। अ यूनिक सिक्वेंशियल इंक्रीमेंटेड बाय 1 नंबर और रैंडम नंबर असाइंड बाय माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस व्हेन एवर अ नंबर न्यू रिकॉर्ड्स इज एडेड टू अ टेबल। कुछ समझ आया? नहीं आया, एक बार पढ़ के देखो।
पढ़ के समझाओ अनु। ऐसा नंबर जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के जरिए ही मतलब असाइन करा हुआ है, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है आपको, बोलो फिर समझने की कोशिश कोशिश करो। दोनों मतलब में से कौन सा, मैं रहा थोड़ा जितना मैं समझ में आया, एक पर्टिकुलर नंबर ऐड कर देगा जब भी कोई न्यू रिकॉर्ड टेबल न्यू टेबल कोई बनेगी एक्सेस में, तो ये अपनी तरफ से एक्सेस एक ऑटो नंबर जनरेट कर देगा वहां पे। जितना मैं समझ में आया, समझ आया ना। A unique sequential incremented by one number or random number assigned by Microsoft whenever a new record is added to a table. जब हम एक टेबल क्रिएट करेंगे तो अगर उसमें कुछ भी यूनिक नहीं है तो ये फर्स्ट कॉलम में एक खुद से फील्ड ऐड कर देता है, खुद से उनका ये फीचर्स है, और वो ना यूनिक नंबर जनरेट करेगा खुद से। जैसे आपने पहले में एक रिकॉर्ड डाला, जैसे आपने डाल दिया सुरेश, ठीक है मेल आईडी है ये जो डिटेल डाले थे, अब जैसे एंटर प्रेस करोगे अब अपना डिटेल डालोगे तो उसके बगल में एक सीक्वेंस नंबर वो खुद से जनरेट करता चला जाएगा, जो कि वो यूनिक होगा, वो कभी डुप्लीकेट नहीं होगा, वन बाय वन इंक्रीमेंट करेगा। क्योंकि डेटाबेस में जब आप डेटाबेस की हम बात करने लगते हैं तो डेटाबेस में एक ना एक ऐसा फील्ड वो खुद से क्रिएट कर लेता है जो यूनिक हो, क्या पता कल के दिन ट्रैकिंग करने की जरूरत पड़े। अगर आपका ऐसा कोई डेटाबेस है जहां पे यूनिक रिकॉर्ड कुछ नहीं है, लेकिन कल के दिन आपको कुछ मैप करने के लिए जरूरत पड़ गई, आपने देखा उस डेटा में साला यूनिक तो कुछ है ही नहीं, तो एक्सेस खुद से कर लेता है एक यूनिक फील्ड, यूनिक फील्ड जनरेट। आप उस यूनिक फील्ड से आप ट्रैकिंग कर सकते हैं या मैप करना है तो मैप कर सकते हैं। अब उसे रोकना चाहते हैं तो आप उसे रोक भी सकते हैं, ये नहीं कि वो करेगा ही करेगा। किले इसका नाम है ऑटो नंबर, यस नो की हमें जरूरत पड़ती है। एक डेटा टाइप है बाय डिफॉल्ट में यस नो, यस नो, यस एंड नो वैल्यूज एंड फील्ड दैट कंटेन ओनली वन ऑफ टू वैल्यूज, यस नो ट्रू और फॉल्स, ठीक है, वन बीट का होता है। अब इफ यूज प्रीवियस वर्जन ऑफ एक्सेस यू विल नोटिस डिफरेंट फॉर टू ऑफ दोज डेटा टाइप्स। इफ यू यूज प्रीवियस वर्जन ऑफ एक्सेस You will notice a difference for two of those data type in Access 2013. In Access 2013, we knew have two data types, short text and long text. In previous version of Access, these data type were called text and memo. समझाया? क्या समझे अनु? ठीक है, ये सारे चेंजेज हैं। जब तक आप थ्योरी नहीं थोड़ा बहुत पढ़ेंगे ना तब तक मेन चेंजेज आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है, क्लियर है। द टेक्स्ट फील्ड इज रेफर्ड टू ए शॉर्ट टेक्स्ट एंड यू आर मेमो फील्ड इज नाउ कॉल्ड लॉन्ग टेक्स्ट। समझ आया क्या? जो टेक्स्ट फील्ड थी वो शॉर्ट टेक्स्ट से डिफाइन थी और जो मेमो थी वो लॉन्ग टेक्स्ट से डिफाइन था। अब ये मेमो को डिफाइन किया गया है लॉन्ग टेक्स्ट में, अब लॉन्ग टेक्स्ट है वहां पे जहां मेमो था, वो मेमो को हटा के नाम चेंज कर दिया, लॉन्ग टेक्स्ट कर दिया, टेक्स्ट को शॉर्ट टेक्स्ट, ठीक है। क्योंकि इसमें ना लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते थे, समझ नहीं आता नाम से पता लग रहा है शॉर्ट टेक्स्ट लॉन्ग टेक्स्ट, तो चीजें अब धीरे धीरे हर इंडस्ट्री माइक्रोसॉफ्ट ने चीजों को धीरे धीरे इजी करा कि यूजर को तुरंत समझ आए। अब मेमो डेटा टाइप में ही भूल जाता था कि यार ये किस लिए यूज किया था, लेकिन अब यहाँ लॉन्ग डेटा लॉन्ग टेक्स्ट आएगा तो समझ आ जाता है।
ठीक है, हेयर आर सम ऑफ दीज मोर स्पेशलाइज्ड डेटा टाइप यू कैन चूज फ्रॉम इन एम एस एक्सेस, फ्रॉम इन एम एस एक्सेस। अटैचमेंट, अटैचमेंट के लिए आप ऐसा कोई फील्ड बनाना बना रहे हैं जहां पे अटैचमेंट करेंगे, अब उस फील्ड में किसी भी में अटैच करूं तो वहां पे जो डेटा टाइप आप यूज करेंगे अटैचमेंट यूज करेंगे, अपने आप वहां अटैचमेंट का सिंबल बन जाएगा और वहां पे जैसे क्लिक करेंगे तो अटैच करने के लिए बोलेगा। इसकी साइज बहुत ज्यादा होती है, 2 GB तक अटैचमेंट कर सकते, 2 GB फाइल को भी अटैच कर सकते हैं। 2013 से पहले वाले में मिलेगा अटैचमेंट है, कैपेसिटी कम है, अटैचमेंट उसमें भी OLE ऑब्जेक्ट, पिक्चर वीडियो ऑडियो, समझ आया? ये भी, जबकि ये सब एक्सेल में नहीं होता है। जीबी की वहां बात क्या है, एमबी में काम नहीं होता, यहां तो हम जीबी की बात कर रहे हैं। वो ये ईसी का पार्ट है, ये समझ गए? बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। हाइपरलिंक भी एक क्या है, डेटा टाइप। हाइपरलिंक डेटा टाइप का यूज कर देंगे तो हाइपरलिंक बनेगा। यहाँ पे लिखा टेक्स्ट और कंबाइंस ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स स्टोर्स एज टेक्स्ट एंड यूज्ड एज ए हाइपरलिंक एड्रेस अप टू 8192 ईच पार्ट ऑफ अ हाइपरलिंक डेटा टाइप कैन कंटेन अप टू इतना कैरेक्टर्स। लुकअप विजार्ड पढ़ो, लुकअप विजार्ड एक बार देखो, क्या है? ये एक्चुअली में डेटा टाइप नहीं है इनके अकॉर्डिंग में, इनके अकॉर्डिंग में ये एक विजार्ड ओपन होगा, मतलब एक तरह से मेन्यू टाइप के ओपन होगी जो डिफाइन करेगा कि लुकअप को आपके डेटा को। सूर्य से बता पाओगे? मैं ही तो बता रहा हूँ। हाँ नहीं अनु, चीजों को खुद से समझोगे ना बेटर होगा। सर एक तरह से लुकअप विजार्ड एक तरह से मेरे मतलब पाइवट टेबल की तरह है जो ऑटोमेटिकली टेबल जनरेट होगी उस पर हम डेटा को द लुकअप विजार्ड एंट्री इन द डेटा टाइप कॉलम इन द डिजाइन व्यू इज नॉट एक्चुअल अ डेटा टाइप। व्हेन यू चूज दिस एंट्री अ विजार्ड स्टार्ट्स टू हेल्प यू डिफाइन आइदर एंड सिंपल और कॉम्प्लेक्स लुकअप लुकअप फील्ड। अ सिंपल लुकअप फील्ड यूज द कंटेंट और अनदर टेबल और अ वैल्यू लिस्ट टू वैलिडेट द कंटेंट्स ऑफ अ सिंगल वैल्यू वैल्यू पर रो। अ कॉम्प्लेक्स लुकअप फील्ड अलाउ यू टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ द सेम डेटा। लुकअप विजार्ड क्या है, एक लॉजिक है, इसके थ्रू से इस लुकअप विजार्ड के थ्रू से हम लॉजिकल डेटा को सर्च किया जाता है। जब मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो लुकअप विजार्ड आपको पूरा समझ आ जाएगा, थ्योरी में आपको पूरा समझ नहीं आ जाएगा। इसकी मेन्यू खुद ही खुलेगी मेरे हिसाब से, हाँ जिसमें हम करेंगे तो चीजें, ठीक है। एक दूसरी मेन्यू खुलेगी वहां पे, जैसे आप ग्रेट वहां डाल देंगे ग्रेटर देन 200 के एम्प्लॉय कितने, तो ग्रेटर देन 200 वाले सैलरी वाले एम्प्लॉय आपके सामने ऊपर एक तरह से क्राइटेरिया सेट करके हम रन करेंगे तो वो सारी चीजें आपके पास रिकॉर्ड डिटेल्स आ जाएगी। ये भी एक डेटा टाइप के अंडर ही आता है। टाइप इन ईच रो कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड में हम फॉर्मूला यूज करेंगे, कैलकुलेटेड फील्ड में फॉर्मूला, जैसे एक कॉलम को दूसरे कॉलम से सम करना, दूसरे से तीसरे, तो कैलकुलेटेड फील्ड, कैलकुलेटेड का हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा डेटा टाइप है जो हमने कुछ डेटा टाइप्स दिखाए, ये डेटा टाइप आप समझ लेना और एक बार यूज करके देखना। ऑलवेज सर नीचे कैलकुलेटेड के बाद,
नहीं ज्यादा डेटा टाइप नहीं होता है एमएस एक्सेस में, ये तो नाम से समझ में आ गया एमएस एक्सेस बोलोगे बहुत ज्यादा, मैंने बोला ना डेटाबेस वीबीए वगैरह से थोड़ा इजी है, वहां तो बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है ये भी कॉम्प्लेक्स चीज, लेकिन एक इंटरमीडिएट लेवल की जॉब के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं सीखना पड़ता है। क्या क्या जरूरत पड़ती है एमएस एक्सेस में एक इंटरमीडिएट जॉब के लिए, डेटा मेंटेन के लिए, डेटा मैप करने के लिए, मैपिंग वगैरह, प्राइमरी की, फॉरेन की, टेबल क्रिएट करना, टेबल को डिजाइन करना, बस बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। डेटा को सही से वो कर मेंटेन करके रखना, ठीक है, मैप करना, सबसे ज़्यादा जो जरूरत पड़ती है डेटा मैपिंग, डेटा को मैप कैसे करेंगे, सबसे ज़्यादा जो जरूरत पड़ेगी आपको इंडस्ट्री में। मैंने कहा ना बहुत हाई लेवल पे बहुत कम यूज होते हैं चीज़ें, एक्सेल जब से आप यूज कर रहे हो, बहुत हाई लेवल के डैशबोर्ड अभी बनाए हो आप, नहीं जरूरत पड़ती है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, किसी बहुत लॉजिकल मैनेजर आपको मिल गए तो फिर वो थोड़ा आपको बोलेंगे मुझे इस टाइप का चाहिए, इस टाइप। नॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन में होता है 80-90% वो नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें ही मांगते हैं, उनको इतना पता नहीं होता है। लेकिन आप टेक्निकल फील्ड में जब प्योर घुस जाएंगे तो वहाँ बोलेगा मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए। लेकिन एक बीपीओ वगैरह में उनको खुद ही नहीं पता होता, आप जो बना के दे दोगे वही ठीक है। अब हम चलते हैं एक्सेस में। आपके लैपटॉप की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है? 1 TB। अब तो मोस्टली आता है ठीक है, तो हम पहले होम सीख लेते हैं। एक मैं टेबल इंपोर्ट कर देता हूँ डेटा, फिर हम थोड़ा बहुत टेबल बनती है, टेबल बनती है, और आप डेटा को डायरेक्ट इंपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सेल को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। मेल होती है? मेल्स, मेल्स मतलब मेल, मेल मतलब नहीं अटैच नहीं कर सकते, एक्सेस फाइल को अटैच नहीं होता, वो खुद बहुत नहीं, जो अभी अटैच का था कि अटैचमेंट कर सकते हैं वो कर वो मैं बताऊंगा, डेटा टाइप है मैं बताऊंगा उनसे। ठीक है, डेटा इंपोर्ट कर लिया, आईटी नहीं ठीक है, यहाँ से फील्ड को डिलीट भी कर सकते हैं। इसमें एक्सेल के फॉरवर्ड चलेंगे ऐसे? हैं? कंट्रोल माइनस? नहीं, उसे सॉर्ट करने के लिए। यहाँ देखोगे तो यहाँ ABCD रो कॉलम कुछ डिफाइन नहीं है। पेस्ट हो गया का?
वो सब सब होता होगा, फॉर्मूले लगे रहेंगे तो। यहाँ जैसे हमने कॉपी किया तो कॉपी होगी, लेकिन जैसे एक्सेल में वो होता था ना ब्लिंकिंग होती थी, तो वो सब नहीं होगा यार, क्योंकि वो सब होने से क्या होता है, फाइल हैवी होती है, प्रोसेसिंग होती है, ये सब कुछ एक्टिविटी यहाँ नहीं होगी। यहाँ देखो मैंने कॉपी पे क्लिक किया कुछ हुआ देखो, लेकिन ये कॉपी हो गई है, या एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो जरूरी नहीं है वो नहीं होगी। इस सबसे भी फाइल हैंग होती है, जैसे आपने कुछ कॉपी करी बहुत ज्यादा, देखो दो चार लाख डेटा कॉपी करोगे तो प्रोसेसिंग होती है ना, तो उसमें भी फाइल हैंग होती है ना। यहाँ ना पेस्ट में वो सब प्रोसेसिंग होगी, ना ही आपका वो कॉपी में, ना ही कट में। इसका इसकी डिजाइनिंग अलग तरीके से। एक्सेल सबसे ज्यादा हैंग कहाँ पे होती है, जब आप रिफ्रेश वगैरह करते हो डेटा बहुत ज्यादा है तो उसके चलते रहता है फिर वो, ये सब डेटाबेस में नहीं होता है। ठीक है, हो गया पेस्ट, दूसरी टेबल खुल गई ना, यहाँ पेस्ट हो गया जितना मैंने किया था कॉपी। और जबकि मैंने हेडर को नहीं किया था, देखो वहां पे क्या होता है, एक्सेल में जहां से जहां तक सेलेक्ट करके कॉपी करोगे उतना ही पेस्ट होगा, यहाँ पे सिर्फ डेटा किया तो हेडर भी आ गए देखो, और यहाँ पे कंट्रोल वी नहीं किया, यहाँ पे कंट्रोल वी भी होता है लेकिन वो मैंने नहीं किया। इसके इसके कुछ लॉजिक है, जब आप ओके कर दोगे तो अपने आप दूसरे खुद से टेबल बना के वहां पेस्ट कर देगा। okay. उसी टेबल में जहां मन तहां पेस्ट नहीं कर सकते हो, यहाँ पे सीट नाम नहीं होता, यहाँ टेबल बोलना, हाँ सीट बोलते हैं, यहाँ टेबल होती है, यहाँ नाम चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ कुछ ऐसी सीट नहीं बनी है, मतलब डिफरेंस है बहुत सारी चीजें वहां से यहाँ में। कैसे ऐड होगा नया टेबल? टेबल ऐड होगा, यहाँ से जाओगे और टेबल आप बनाना पड़ेगा, टेबल बनानी पड़ेगी। नहीं आप ये नहीं तो बनाना, पेस्ट के नाम से जो आ रही है, पेस्ट के नाम से खुद से बन गया। जब मैंने कॉपी किया ना तो उसने जैसे कॉपी, जैसे मैंने ये डेटा कॉपी किया देखो, अब मैंने यहाँ से यहाँ तक कॉपी करी डेटा, सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी किया, ठीक है, और जैसे मैं पेस्ट पे गया, ठीक है, ये लिख रहा है आर यू श्योर वॉन्ट टू पेस्ट दिस रिकॉर्ड, मैंने बोला यस, तो ये ऑलरेडी चला गया, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ये कॉपी किया, यहाँ है पेस्ट स्पेस। ठीक है, अब ये कह रहा है टेक्स्ट में करोगे पेस्ट या डेटा रिकॉर्ड्स में करोगे, मैं करता हूँ ओके, पूरा पेस्ट हो रहा वहीं पे करा, बार बार नहीं करेगा ये क्रिएट, ये देखो किया ना मैंने, अभी डिलीट कर दिया था ये देखो टेबल हटा दी। ठीक है, अब मैंने इसको कॉपी किया, सब कुछ ये पूरा किया, कॉपी कर दिया पूरा, ठीक है, और मैं इसको पेस्ट किया, यहाँ पे दिखा रहा है कितने रिकॉर्ड्स हैं, मेरी रिकॉर्ड कहाँ जाना, पहले मैं इसे क्लोज करता हूँ, क्लोज करने के बाद पहले क्लोज करना पड़ेगा, क्लोज करने के बाद यहाँ पे आओगे और फिर करोगे इसे डिलीट, और इसको मैंने यहाँ पे किया कॉपी, पेस्ट किया, ये पेस्ट हो कहाँ रहा है, इसी में तो नहीं रहा, रुक जा रुक जा, और
ओके ठीक है, इसको हम जैसे एक पेस्ट कर जाते हैं। टू फुल कितने रिकॉर्ड है इसके नीचे पेस्ट हो रहा है। दूसरी टेबल पर अच्छा समझे क्या हो रहा है। हाँ समझ गए, इसी के ऊपर वो कॉपी होके पेस्ट हो रहा है, सेम डेटा है। आप ये अगर आपको दूसरी टेबल में चाहिए तो कॉपी करके और फिर टेबल बना के पेस्ट करनी पड़ेगी। डेटा इसी के ऊपर पेस्ट हो रहा है ना, मैं लोकेशन ये खुद से नहीं करेगा ना, उसी में कॉपी हो रही, उसी में पेस्ट हो रहा है। अब कैसा ना बन जाएगा। हाँ अब यहाँ एक चीज याद रखोगे रखना, जैसे मैंने कट किया तो यहाँ पे कंट्रोल जेड नहीं होगा। डेटाबेस में हमेशा याद, कोई भी काम करोगे तो बहुत ध्यान से करना। अगर वो आपने डिलीट खुद से कमांड चला के कर दी तो वो डेटा गया परमानेंट। ये देखो यहाँ पे अब कुछ नहीं होगा, मैंने कट कर दिया ना, अब कट किया तो डेटा हटा नहीं है। अभी दोबारा ये कट के पेस्ट हो गया, यहीं पे हुआ इसी टेबल में। लेकिन अगर मैं डिलीट कर देता और फिर से कंट्रोल जेड करोगे तो नहीं आएगा, मतलब ये पेस्ट हो रहा है, कॉपी यही करके मैं पेस्ट यही कर रहा हूँ ना, तो डेटा यही पेस्ट हो रहा है। नहीं समझे। अब ये डेटा अगर मुझे दूसरी जगह पे चाहिए तो मुझे टेबल बनानी पड़ेगी और वो टेबल बना के वहां पेस्ट करूंगा ना मैं डेटा। वही तो बोल रहा हूं, कैसे बनेगी टेबल में बनाना सिखाऊंगा। अभी पहले तो ये होम टैब की मैं बात कर रहा हूँ, पहले ये तो सीखो ठीक है। तो ये आपको कट कॉपी समझ आया, इसके कॉपी ये हो गया ना, और फिर मैं पेस्ट करूंगा तो यही पेस्ट हो जाएगा ना डेटा। दूसरी नहीं, अभी मेरा कहने का मतलब दूसरी जगह पेस्ट करेंगे उसके लिए हम टेबल क्रिएट करेंगे। कॉपी किया ठीक है, अब देखो यहाँ से हम टेबल बनाएंगे ठीक है, और अगर पेस्ट करना है तो यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। बात समझ आए। लेकिन अगर हम इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे तो यही रहेगा। नहीं क्लियर हुआ, मैं उस टैब में जाना भी चाह नहीं रहा हूँ, यहाँ पे नहीं समझे। अभी मैं होम टैब की बात कर रहा हूँ, समझ आ गया। क्योंकि अब एक्सेल में लॉजिकल अगर बात करोगे तो कॉपी करके हम दूसरी सीट में जाते हैं ना पेस्ट करने के लिए, तो यहाँ हाँ तो वही इसके नीचे पेस्ट। हाँ क्यों हो सकता, क्यों नहीं, लेकिन कभी जरूरत थोड़ी पड़ती है सेम डेटा के नीचे पेस्ट करना। पेस्ट कर सकते हो नीचे, दूसरा डेटा पेस्ट कर सकते हो दूसरी टेबल से, इसके नीचे कर सकते हो, कोई लॉजिक थोड़ी ना। एक टेबल आपको मिलेगी यहाँ पेस्ट करोगे, अननेसेसरी यहाँ पे आपको स्पेस नहीं मिलेगी, क्योंकि इससे भी फाइल की साइज बढ़ती है ना। अब करते रहो इसमें, अब मैंने अभी तक नहीं देखा कितनी है, वो नेट पे देखना। आप पेस्ट करते जाओगे तो होते रहेगा, नहीं इसमें ज्यादा बहुत है यार, वहां तो जीबी की बात चल रही है, देख नहीं रहे ठीक है। अब यहाँ पे अननेसेसरी जितने स्पेस की जरूरत है तो उतनी ही मिलेगी यहाँ पे। जैसे एक्सेल में क्या होता है, एक्सेल में हमारा फिक्स कर दिया ना कि इतने रोज और इतने कॉलम, आप दो डेटा रख लो या चार डेटा रखो, जब भी आप एक्सेल ओपन करोगे स्पेस आपको उतनी मिलेगी, तो फाइल की साइज उससे भी बढ़ती है क्योंकि वो खुद की भी तो स्पेस लेता है ना। ये यहाँ पे जरूरत जितनी है उतनी, ये क्लियर हुआ। कॉपी पेस्ट ये समझ आया। अब चलते हैं हम व्यू पे, तो ये जो आप देख रहे हैं ना डेटा शीट व्यू, तो ये हमारे इसका नाम है डेटा शीट व्यू नाम है ये। इसके नीचे जाएंगे तो हम डिजाइन व्यू जाएंगे, तो यहाँ हम टेबल बनाएंगे यहाँ से। बाय डिफॉल्ट में ये वो दिखा रहा है कि जब हमने डेटा को वो किया था, इंपोर्ट किया था, तो इसने खुद से कौन कौन से डेटा टेबल ये खुद से बनाए वो व्यू हम देख रहे हैं।
कि डेट टेबल को बनाया कैसे था है? नहीं समझे। इस डेटा को स्टोर करने के लिए क्या यूज किया है, क्योंकि ये इतना पावरफुल चीज है, जब हम डेटा को इंपोर्ट करते हैं तो खुद से टेबल बना लेता है। मैंने आपको बताया था डेटा टाइप ये खुद से डिफाइन कर लेगा, वो अपने आप रीड कर लेता है कि फर्स्ट मतलब डेटा के अकॉर्डिंग वो डेटा टाइप को क्या करता है, डिफाइन कर लेता है। ये लुकअप विजार्ड नहीं चीज़ है, ये आपका रहा लुकअप विजार्ड। यहाँ से हम लॉजिक की बात की बहुत एडवांस लेवल की बात है, हम एकदम बिल्कुल बाद में बात करेंगे। तो ये डेटा टाइप देखो, नंबर डेट टाइम शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट, ये इसने खुद से किया है डिफाइन इस टेबल, ये डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, हाँ। अगर आप चाहेंगे और एक फील्ड ऐड करना तो आप यहाँ फील्ड ऐड कर सकते हैं। सेट करना पड़ेगा डेटा टाइप क्या ही करना चाहते हैं। मैंने टेक्स्ट कर दिया, ये अपना बाया तो करा है, मैंने किया है। ठीक है, आप बाद में जाओगे तो देखो एक फील्ड ऐड मिलेगा आपको, अभी नाम अच्छा रुको रुको मैंने रन नहीं किया। ठीक है, चेंज कर, ये देखो समझे गए। अब यहाँ आप डिटेल अपना फिल कर सकते हो, यहाँ पे अपनी डिटेल जो भी फिल करना चाहते हो, नंबर नंबर डालेंगे सब एक्सेप्ट तो सब करेगा, नंबर भी करेगा। ये लो नंबर, मैंने ये थोड़ी ने कहा कि एक्सेप्ट करेगा, वो टेक्स्ट में आएगा। जब आप कैलकुलेशन की बात करोगे ना तो कैलकुलेट नहीं होने देगा। आप एक सेकेंड देखो यार, आप जो यहाँ पे एक्सेल का ही तो लॉजिक है, राइट साइड में डेट आ गई। अब मैंने वहां पे डेटा टाइप में टेक्स्ट का यूज किया और यहाँ मैं मोबाइल नंबर डालता हूँ और इस पे आऊंगा तो ये लेफ्ट साइड आएगा। अगर यहाँ नंबर होता तो ये राइट साइड में आता। अब जब हम कैलकुलेशन की बात करेंगे तो वहाँ एरर आ जाएगी। अब इसको तीनों डिलीट जो आपने ऐड किए, ये डिलीट करो, ये डेटा, ये अब लिखना है कुछ भी तो लिखना, नंबर और अल्फाबेट कॉम्बाइन। पता नहीं क्या देखना चाहते हो, देख मत हुआ। अब जाना सीट पे, हाँ तो वो दिखा रहा है डेटा टाइप, हाँ वो वहाँ दिखा रहा है डिजाइन वाला चलता है। सॉरी मेरा मेरा वो कहाँ गया आपका एक्सेल दोनों वाला नहीं नहीं इसमें है ना दूसरी टेबल में ये है ना, कहीं नहीं जाएगा वो यहीं रहेगा, जाएगा कहाँ, यही है ना, ये है ना मेरा शॉर्ट टेक्स्ट अपना है भाई एक्सेल जो मालूम है, मैंने डाला हुआ है ना, आया थोड़ी ना यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है। देखना तो क्या, जब टेबल बताऊंगा तब इतना कंफ्यूज मत हो, कंफ्यूज हो जाओगे। मैं टेबल बनाने के लिए सिखाऊंगा ब्लैंक टेबल, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देखो, आपको ना दिक्कत हो जाएगी, सीक्वेंस में नहीं चलोगे तो आपको दिक्कत आएगी, समझ गए। उसमें मुझे कुछ नहीं, नहीं, नहीं मैं तो शौक ले कर रहा था, जैसे उसमें कॉम्बिनेशन में मतलब आता क्या, ये अपने आप नहीं आता, ये हम डिफाइन करते हैं, ये अपने अपने आप आएगा जब आप डेटा को इंपोर्ट करोगे। जब आप खुद से फील्ड क्रिएट करोगे तो इसका मतलब अब यूजर खुद से डिफाइन कर रहा है, तो डेटा टाइप आपको ही डिफाइन करना पड़ेगा, ये मना नहीं करेगा। इस चेक लिस्ट में इतने टाइप के डेटा टाइप होते हैं, वो आपको यहाँ दिखेंगे, आप जो भी यूज करोगे आप वो यूज कर सकते हो। अब मैं अटैचमेंट का यूज कर दिया, ठीक है, अब मैं उसको यहाँ पे नहीं होगा, क्यों नहीं, अटैचमेंट नहीं है ये बात नहीं है, उसमें हमने उसको डिफाइन किया। ये मैं आपको अटैचमेंट का दिखाता हूँ, चलो मैं टेबल बताऊंगा ना उस टाइम दिखा दूंगा, फिर एक प्रॉपर टेबल ही हम बनाएंगे ना। मतलब ये मतलब कि जो हम डाटा है वो इंपोर्ट करेंगे कहीं से तो उसमें ही ऑटोमेटिक दिखाएगा, लेकिन हम उसमें कुछ ऐड करेंगे तो हमें उसका डेटा टाइप को डिफाइन करना। ठीक है, देखो मैंने एक बना दिया, ठीक है, अटैचमेंट लगी, हाँ डेटा टाइप क्या है, अटैचमेंट, अटैचमेंट
ठीक है, ध्यान देना, ये भी डाउट क्लियर ही कर दूं, नहीं तो सोचो कि पता नहीं इनको पता है कि नहीं, ये भी एक दिक्कत ही। अब देखोगे ना तो मैंने ऐड किया था, अब देखो यहाँ अटैचमेंट का सिंबल बन गया, अब जो भी फाइल यहाँ अटैच करना चाहोगे ना आप फाइल को अटैच कर सकती हो, बात समझ गए। अब इसको जब भी आपको ओपन करना है तो इस फाइल को आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ये हुआ क्लियर। ये हमारा एक डेटाबेस है, ये हमारे एक डेटा टाइप के अंदर आता है। आप कुछ डाउट है? यही है तो हम ये कंप्लीट सीखेंगे, अभी तो ये एक्सेस की दूसरी क्लास है। ये क्लियर हो गया आपको, यहां से क्या होगा, ये दोनों से आपको समझ आ गया, आज यहीं तक रखें। एक बार आपने ये पूरा कर लेना, ये तो इजी है, ये तो पूरा कर सकते हो, फिल्टर असेंडिंग डिसेंडिंग सेलेक्शन एडवांस फिल्टर, जैसे मैंने वहां पे बताया था ना, नहीं होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना होता है उतनी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। बाकी मैं रिफ्रेश बताइए, न्यू हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। देखो इसका फीचर्स ये है कि एक से ज्यादा नहीं कर सकते, जब तक आप इसको फुलफिल नहीं करोगे तब तक ये दूसरा इंसर्ट नहीं होने देगा। एक्सेल में क्या होता है, आप करो या ना करो, जितना ऐड करना है एक्चुअली, हाँ ऐड डिलीट कुछ नहीं होता, स्कीप होता है, वहां कोई रो कॉलम इंसर्ट नहीं होते एक्सेल में, अगर इंसर्ट होता डिलीट होता तो कम ज्यादा नहीं होते, कुछ होता नहीं, उसका लॉजिक है, स्कीप कर जाता है, मूव इतना फास्ट करता है आपको पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे सेव, तो आपको ये चीज पता ही है सेव, ठीक है। स्पेलिंग टोटल्स मोर्स में जाना, एक दो चीजें देखना, ये सारी एक बार ना होम टैब आप रिवाइज करके आना, जो डाउट हो तो पूछ लेना, नहीं तो हम कमिंग संडे डायरेक्ट आएंगे क्रिएट टेबल, ठीक है। अच्छा लग रहा है एक्सेस पढ़ने में? होम नहीं बताओ क्या? होम में क्या देखोगे बताओ? नहीं अभी तो फ्रेश है, अब नहीं मैं दिखाता हूँ फिल्टर, ठीक है, ये शॉर्ट हो गया, अब इसकी ये डिसेंडिंग शॉर्ट है, ये सब मैं क्या बताऊँ, ये तो एक्सेल का पार्ट है, मेरा कहने का मतलब मैं इसीलिए नहीं बता रहा हूँ, एक्सेल में आपको नहीं पढ़ाता तो ये बता, फिल्टर ये फिल्टर लगा हुआ तो ये रहा, तो फिल्टर लगा हुआ तो ये फिल्टर नहीं लगा, अब वहां जैसे व्यू है वैसे नहीं दिखेगा, ये रहा फिल्टर, उस व्यू में नहीं दिखेगा आपको फिल्टर, शॉर्ट मैंने आपको बता ही दिया अभी, शॉर्ट करना ये रहा शॉर्ट, ठीक है। रिमूव करना फिल्टर को तो रिमूव हो गया, ठीक है। इसके बाद एडवांस फिल्टर, मतलब उस फॉर्म में आपको नहीं यहां दिखेगा, एडवांस फिल्टर है, ठीक है। देखो ये कॉलम जो हमने किया था ना, ये कॉलम हमने ऐड नहीं किया, जो मैंने आपको दिखा था ऑटो नंबर का, याद है, ये आईडी कॉलम इसने खुद से क्रिएट किया। देखो अब जैसे मैं कोई यहाँ रिकॉर्ड कर फिल करता हूँ, ठीक है, अब यहाँ डेट ले लेता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ फर्स्ट जैन 2020, मुझे लग रहा पूरा फॉर्मेट में ही देना पड़ेगा, वो क्यों वैसे दे रहा, सॉरी ये रहा, ठीक है, सपोज ऐसे मैंने किया, ठीक है। हेलो ये अभी मैं इसको रहने दो फिल्टर, थोड़ा मैं आपको बताऊंगा वो चीज। हाँ देखो यहाँ पे देखोगे तो ये कॉलम हमारे उसमें नहीं है, देखो ये खुद से एक यूनिक फील्ड बना है, तो ये आईडी नाम यूनिक, यूनिक का मतलब आईडी, यूनिक जो भी फील्ड होते हैं उसका नाम आईडी होती है, एम्प्लॉय आईडी, रोल नंबर वहां है, लेकिन वो आपकी आईडी तो है, ये बाय डिफॉल्ट में ये फील्ड का नाम ही आईडी रखेगा। आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं,
मैंने बोला था ना yes, ये आप फील्ड डिल हाँ रीनेम लेकिन किया नहीं जाता कभी करना न्यू रिकॉर्ड रिफ्रेश बता दिया ये बताऊंगा ये बताए डिलीट कोई स्पेसिफिक ऐसे डेटा करना तो कर सकते हो नहीं ये आ जाएगा लेकिन आप पूरा डेटा को डिलीट कर दोगे तो नहीं आएगा ये क्योंकि मेरा टेबल मेरी टेबल डिलीट नहीं हुई है ना टेबल के अंदर जो डेटा वो हुई है लेकिन अगर मैं पूरा पूरा हटा दूं डेटा मतलब सब रिमूव कर दूं और कंट्रोल जेड करूंगा तो नहीं आएगा लेकिन अगर मैं एक फील्ड है ये अगर मैं इसका डेटा सिर्फ जैसे कि अब मैं अभी हटा देता जैसे इसका डेटा मैंने कर दिया तो कंट्रोल जेड करूंगा तो ये आ जाएगा लेकिन मैं ऐसे करके जो एक्सेल में आ जाता है ना इसको मैं ओके कर दूंगा यस कर दूंगा तो कंट्रोल जेड से नहीं आएगा वो एसक्यूएल सीखते हैं उसका वीबीए वगैरह सब होता है सब टोटल देखो सब टोटल में किया तो सब टोटल यहाँ बन गया जहां नंबर होगा वहां आपको सब टोटल तो मैंने एक वो कर दिया ना अब जैसे यहाँ आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आपको करना क्या है एक सब टोटल का बन के आ गया मैंने अभी सब टोटल का यूज किया था ना ये सब टोटल का यूज किया तो सब टोटल एक बन गया आपको जो भी फंक्शन यूज करना है आप वहां से सेलेक्ट कर सकते हो हाँ समझ रहे हो ना स्पेलिंग क्लियर ही होगा स्पेलिंग तो एकदम सेम है हाँ ठीक है यहाँ पे है मोर हाइट वगैरह सब इसी सब बढ़ाने हटाने हाइट भी यहाँ से होता है फ्रीज भी सब याद फीचर है सारे यहाँ पे देख लो कुछ डाउट है इसमें कर लोगे हैंड भी यहाँ से होता है बाकी रिप्लेस भी हो सकता है गो टू जो मैं एक्सेल में बताया था ये है इतना ही फीचर्स है इसमें गो टू में ठीक है न्यू में जा सकते हो बोल्ड इटैलिक इसमें को डाउट है ये तो होम में आपके मैं क्या बताऊँ यही चीजें होम क्लियर हो ही गया आपको वैसे कुछ नहीं होगा मैंने सब बता दिया ठीक है और ये आपका कुछ है डाउट कहाँ पे ये मैं बताया तो था फॉर्मेटिंग वगैरह के लिए ये रहा ना आपको आपको बैकग्राउंड में कैसा चाहिए अल्टरनेटिव में कैसा चाहिए जो ये अभी हुआ है ये सेंड करना चाहते मेरे पास ये डेटा आता है जिसमें सेम जैसे ये बैकग्राउंड रहा ना लाइन लाइन वाइज कैसा आता है मेरे उसमें से आता कहां से है मैं एक्सेस से आता हूं टेबल में तो होता है नहीं अपन ने इसमें यही फॉर्मेट समझे है गुजराऊ एक्सेस समझ आ रहा है पूरा